सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। आज हम बना रहे हैं मैगी। टेस्टी मैगी होती है या टेस्टलेस वो हम देखते हैं, बट अच्छा है। आपको ये पूरी रेसिपी चाहिए तो हम बताते हैं। अभी इसमें हम डाल चुके हैं क्या, शिमला मिर्च और मैगी मसाला। फर्स्ट आपको यही करना है, अगर आपको मैगी बनानी है डायरेक्ट मैगी मत डालो, ना पानी डालो, ओनली ये एंड वी पुट सम बटर, अमूल बटर इन टू दैट। और मैगी मसाला भी हम डाल रहे हैं धीरे धीरे। ये मैगी मसाले जा रहे हैं, 9 पैकेट्स डालेंगे हम, 7 पैकेट की मैगी बना रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत सारी मैगी है। तो गाइस देख सकते हो मैं मैगी के मसाला काट काट के डाले जा रहा हूँ, कम पड़ गए थे तो मैंने एक्स्ट्रा लिए मसाले और अब एक्स्ट्रा मसाले ऐड कर रहा हूँ उसको काट के। तो एक बार ट्राई करो, अब इसको सब हम डालने के बाद मिक्सअप कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे टेस्ट इसका। तो गाइस अभी हमने थोड़ी लाल मिर्च ले ली है, नेक्स्ट प्रोसीजर मैगी मसाला के हमने 9 पैकेट डाल दिए थे, अब मिर्च अप्लाई करें। अब मिर्च को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, हो चुका है। नाउ व्हाट टू डू, सम वेट नाउ। मैगी मसाला थोड़ा सीखने के बाद, हमने मैगी मसाला ही सीख रहा है। नाउ हम इसमें पानी डालेंगे, 7 पैकेट्स ऑफ मैगी के लिए अराउंड 5 ग्लास ऑफ वाटर, फुल ग्लास ऑफ वाटर डालना है 5। यार पानी नहीं। सो गाइस अब हम 5 ग्लास ऑफ वाटर डाल चुके हैं, इसके आगे का प्रोसीजर बताइए। अब इसमें हम पानी जब तक गर्म होगा हम इसमें कोरिएंडर डालेंगे, इसको धो लेते हैं थोड़ा पहले कोरिएंडर। तो हम ये धनिया काट के अब डाल रहे हैं इसमें, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए अगर मैगी बना रहे हो तो। सो मैगी डालना चालू कर दिया हमने, थोड़ा सा तोड़ कर डालेंगे, समझ रहे हो समझ रहे हो आप। सो ये 7 पैकेट हम डाल चुके हैं मैगी के, जिसमें 5 ग्लास ऑफ वाटर एंड 9 पैकेट मसाला के डाले हमने मैगी मसाला। आप देखते हैं कैसा लगता है मैगी में। और हमने इससे पहले बटर लिया था, शिमला मिर्च ली थी, ग्रीन चिली ली थी और रेड चिली सब डाला था, और मैगी मसाला उन सबको पहले हमने फ्राई किया वो सब किया। अब ये मैगी थोड़ा सा पानी और डाल लें। अब जस्ट नाउ हैव टू वेट, नॉट 2 मिनट्स बट 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स तो चाहिए ही गाइस। तो मैगी बन चुकी है, थोड़ी थोड़ी बची अभी बनने के लिए, बट थोड़ा आ रहा है स्मेल, टेस्टी लग रही है, लग रहा है अभी खा ली जाए। गाइस वी मिस सम इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज सॉल्ट, आप मत भूलना, लेकिन पहले ही बता रहे हैं सॉल्ट के बिना तो टेस्टी नहीं आता मैगी में। ये हमारी मैगी अब रेडी हो चुकी है, हम इस अभी रुको, ये तो मैं ऐसे ही गाइस, अब हम इसमें थोड़ा बटर डालेंगे अगेन फॉर गुड टेस्ट एंड देन आवर मैगी इज रेडी टू सर्व। देखने में बहुत टेस्टी लग रही है, खाने में उससे ज्यादा होगी। आप इसमें मटर गाजर कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, हमने बस शिमला मिर्च डाला है। सो आवर मैगी इज रेडी एंड नाउ वी विल सर्व इट। ओके तो गाइस अभी देखते हैं, टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसी है बनी है मैगी, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। फाइनल गार्निश करने के लिए ऊपर से मैगी मसाला डालेंगे, इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। सो आवर मैगी इज रेडी नाउ, देख सकते हो गाइस बहुत टेस्टी लग रही है, रहा नहीं जा रहा खाने में, मैंने टेस्ट करके देखी बहुत ही बेस्ट थी। आप भी एक बार घर में बनाओ तो इस रेसिपी को जरूर फॉलो करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो फॉर मोर वीडियोस।